नमस्कार दृष्टि आई के टुडेजी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से प्रश्न था क्या है पौधे की प्रजातियां, एक्सोप्लेनेट गैलेक्सी या फिर समुद्री छिपकली इसका सही जवाब है ऑप्शन डी समुद्री छिपकली मोरक्को के कैसा ब्लांका के बाहर एक क्षेत्र में शोधकर्ताओं द्वारा एक प्राचीन विशाल समुद्री छिपकली की खोज की गई निष्कर्ष बताते हैं कि यह है एक नई मसासौर प्रजाति थी जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था यह प्रजाति यानी प्रजातिन एट्रॉक्स छिपकली के एक परिवार की सदस्य है यह अन्य सभी समुद्री सरीसृपों का शिकार करती थी तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी समुद्री छिपकली आज के सेशन का पहला प्रश्न है एंसेलेडस किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है बृहस्पति शनि यूरेनस या फिर नेपच्यून इसका सही जवाब ऑप्शन बी शनि वर्ष सत्रह में खोजा गया एंसेलेडस शनि ग्रह का एक प्राकृतिक उपग्रह है इसलिए विकल्प भी सही है लगभग 200 वर्षों तक अस्पष्टता में रहा यह उपग्रह अब हमारे सौर मंडल में वैज्ञानिक रूप से सबसे दिलचस्प स्थलों में से एक है इसकी खोज ब्रिटिश खगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने की थी गौरतलब है कि विलियम हर्शल यूरेनस ग्रह की खोज के लिए अधिक लोकप्रिय हैं। 1980 के दशक में अमेरिकी अंतरिक्ष यान वॉयजर वन और वॉयजर टू ने इस उपग्रह की इमेज को कैप्चर किया था तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी शनि अगला प्रश्न है न्यूक्लियर मैट्रिक्स किससे संबंधित है युद्ध कंप्यूटर रोबोटिक्स या फिर जैव रसायन इसका सही जवाब ऑप्शन डी जैव रसायन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी सी एस आई आर के वैज्ञानिकों ने भ्रूण से केंद्रक को हटाए बिना फ्रूट फ्लाई यानी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के न्यूक्लियर मैट्रिक्स का अध्ययन करने का एक तरीका स्थापित किया है आपको बता दें कि किसी जीव की प्रत्येक कोशिका में उसके जीनोम की एक प्रति होती है जैव रसायन में इस जीनों को न्यूक्लियर मैट्रिक्स के रूप में जानी जाने वाली संरचना की मदद से विशेष तरीकों से पैक किया जाता है न्यूक्लियर मैट्रिक्स केंद्रक में फाइबर का नेटवर्क होता है जो केंद्रक को एक संगठन और स्थापत्य प्रदान करता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जैव रसायन अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों की तापीय प्रतिक्रिया के लिए एक संभावित तंत्र के रूप में जाना जाता है ग्लोबल वार्मिंग क्रायोजेविक वार्मिंग वार्मिंग, क्रायो वार्मिंग। या फिर इसका सही है ऑप्शन सी क्रायोहाइड्रोलॉजिक वार्मिंग हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर अब मौजूदा आर्कटिक जलवायु के संतुलन से बाहर हो गई है अब यह अपने वर्तमान आकार को बनाए नहीं रख सकती है सुप्रा झीलें और नदी नेटवर्क ग्रीनलैंड की बर्फ के फ्रैक्चर में बह रहे हैं जिससे उनके साथ भारी मात्रा में गुप्त ऊष्मा आ रही है यह गुप्त ऊष्मा क्रायोहाइड्रोलिक वार्मिंग के रूप में बर्फ को पिघला देती है जिससे आंतरिक बर्फ के प्रवाह में तेजी आती है क्रायोहाइड्रोलॉजिक वार्मिंग को ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों की तीव्र तापीय प्रतिक्रिया के लिए एक संभावित तंत्र के रूप में जाना जाता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी क्रायोहाइड्रोलॉजिक वार्मिंग अगला प्रश्न है सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है राजस्थान महाराष्ट्र उत्तराखंड या फिर ओडिशा इसका सही जवाब ऑप्शन डी ओडिशा हाल ही में केंद्रीय दल ने हाथियों की मौत में अचानक वृद्धि के मद्देनजर ओडिशा का दौरा किया इस टीम ने अठागढ़ वन विभाग ढेंकनाल वन प्रभाग और सतकोसिया टाइगर रिजर्व का दौरा किया सतकोसिया टाइगर रिजर्व ओडिशा के केंद्र में स्थित है जो चार जिलों अंगुल कटक बौद्ध और नयागढ़ में फैला हुआ है इसलिए विकल्प डी सही है 1976 में एक वन्यजीव जीव के रूप में स्थापित यह रिजर्व विशाल प्राकृतिक आकर्षण का केंद्र है इस क्षेत्र को 2007 में सतकोसिया टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था जिसमें दो निकटवर्ती वन्यजीव अभ्यारण्य और बैसीपल्ली अभ्यारण्य शामिल थे तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ओडिशा अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आई का गठन किस वर्ष किया गया था उन्नीस सौ छप्पन उन्नीस सौ सत्तावन उन्नीस सौ अट्ठावन या फिर उन्नीस सौ उनसठ इसका सही जवाब है ऑप्शन बी उन्नीस सौ सत्तावन हाल ही में संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आई की एक टीम ने यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु संयंत्र का दौरा किया आई परमाणु क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए विश्व का केंद्रीय अंतर सरकारी मंच है यह उन्नीस में परमाणु प्रौद्योगिकी की खोजों और विविध उपयोगों से उत्पन्न भय से निपटने के लिए बनाया गया था इसलिए विकल्प बी सही है इसे संयुक्त राष्ट्र के शांति के लिए परमाणु संगठन के रूप में स्थापित किया गया था इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियेना में स्थित है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी उन्नीस अगला प्रश्न है इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी ने उद्योग अकादमिक साझेदारी को बढ़ाने के लिए किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी गुरुग्राम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी हैदराबाद विश्वविद्यालय या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय इसका सही जवाब ऑप्शन ए नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी यानी एनसीयू गुरुग्राम इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी यानी आईसीएटी ने नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी यानी एनसीयू गुरुग्राम के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी एम पर हस्ताक्षर किए हैं इसलिए विकल्प ए सही है इसका उद्देश्य संयुक्त लघु एवं मध्यावधि पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए उद्योग अकादमिक साझेदारी को बढ़ाना है यह उद्योग की आवश्यकताओं के अनुसार उभरते प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देगा आईसीएटी की स्थापना 2006 में मानेसर हरियाणा में हुई थी यह मोटर वाहन और गैर ऑटोमोटिव विकास के सभी क्षेत्रों में उद्योग को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान कर रहा है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए नॉर्थ कैप यूनिवर्सिटी गुरुग्राम अगला प्रश्न है प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि को किस नाम से जाना जाता है महासागर के लिए जेनेवा समझौता महासागर के लिए मेलबर्न समझौता महासागर के लिए न्यूयॉर्क समझौता या फिर महासागर के लिए पेरिस समझौता इसका सही जवाब है ऑप्शन डी महासागर के लिए पेरिस समझौता महासागरों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि पर सहमत होने के लिए यूरोपीय संघ सहित एक देशों की बातचीत हाल ही में विफल रही इस संधि को महासागर के लिए पेरिस समझौते के रूप में भी जाना जाता है इसलिए विकल्प डी सही है यह संधि राष्ट्रीय क्षेत्र अधिकार से परे महासागर में जैव विविधता संरक्षण के लिए कई वर्षों से चर्चा में है प्रस्तावित संधि विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों से परे मौजूद महासागर से संबंधित है जो किसी देश के तट से समुद्र में लगभग 200 समुद्री मील तक स्थित है इससे आगे के जल को खुले समुद्र के रूप में जाना जाता है संधि पर उन्नीस के संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी यानी अनकलॉज के तहत बातचीत की जानी थी अनक्लॉज समुद्री संसाधनों के संबंध में देश के अधिकारों को नियंत्रित करता है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी महासागर के लिए पेरिस समझौता अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चित नियो 2022 हजार क्यू क्या है मिसाइल क्षुद्रग्रह, ग्रह एंटी मिसाइल सिस्टम या फिर लड़ाकू जेट इसका सही जवाब है ऑप्शन बी क्षूद्र ग्रह हाल ही में नासा ने एक चेतावनी जारी की थी कि एक शुद्ध ग्रह पृथ्वी की कक्षा की ओर आ रहा है नासा ने बताया कि नियो 2022 QP3 क्यू पी के रूप में जाना जाने वाला क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के पास से गुजरेगा इसलिए विकल्प भी सही है यह कथित तौर पर 100 फुट चौड़ा है और इसके पृथ्वी से 5.51 एक मिलियन किलोमीटर के करीब आने की उम्मीद है तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी क्षुद्र ग्रह अगला प्रश्न है कालबेलिया लोक गीत और नृत्य किस राज्य से संबंधित है तमिलनाडु उत्तराखंड नागालैंड या फिर राजस्थान इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान कालबेलिया नृत्य भारत के राजस्थान राज्य का एक लोक नृत्य है इसलिए विकल्प डी सही है यह नृत्य मुख्य रूप से कालबेलिया नामक राजस्थानी जनजाति द्वारा किया जाता है यह नृत्य और गीत वर्ष 2010 से यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल है इस नृत्य में पुरुष विभिन्न पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हैं और महिलाएं नृत्य करती हैं तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी राजस्थान अंतिम प्रश्न है एल काला बायोस्फियर रिजर्व किस देश में स्थित है मलेशिया पेरू अल्जीरिया या फिर वियतनाम इसका सही जवाब ऑप्शन सी अल्जीरिया यूनेस्को द्वारा सूचीबद्ध एल काला बायोस्फीयर रिजर्व का 10 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पूर्वोत्तर अल्जीरिया में लगी आग से नष्ट हो गया है एल काला बायोस्फीयर रिजर्व बारबरी रेड डियर का अंतिम आश्रय स्थल है यह अल्जीरिया के उत्तर पूर्व में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है इसलिए विकल्प सी सही है यूनेस्को ने उन्नीस में एल काला नेशनल पार्क को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी थी तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी अल्जीरिया आइए अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न सहेर थ्रोपस टैच डेंसिस क्या है मनुष्यों की प्रजाति उड़ने वाली गिलहरी की प्रजाति पौधे की प्रजाति या फिर डुगों की प्रजाति इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ